वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह ज्योतिर्लिंग लंकापति रावण द्वारा यहाँ लाया गया था। इसकी एक बड़ी ही रोचक कथा है। रावण भगवान शंकर का परम भक्त था। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण हिमालय पर्वत पर जाकर शिव लिंग की स्थापना करके कठोर तपस्या करने लगा। कई वर्षों तक तप करने के बाद भी भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए, तब रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर की आहुति देने का निश्चय किया। विधिवत पूजा करते हुए दशानन रावण एक एक करके अपने 9 सिरों को काटकर शिव लिंग पर चढ़ाता गया। जब 10वां सिर काटने वाला था तब भगवान शिव वहां प्रकट हुए और रावण को वरदान मांगने के लिए कहा। रावण को जब इच्छित वरदान मिल गया तब उसने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वह उन्हें अपने साथ लंका ले जाना चाहता है। शिव ने रावण से कहा कि वह उसके साथ नहीं जा सकते हैं, वह चाहे तो यह शिवलिंग ले जा सकता है। भगवान शिव ने रावण को वह शिवलिंग ले जाने दिया जिसकी पूजा करते हुए उसने 9 सिरों की भेंट चढ़ाई थी। शिवलिंग को ले जाते समय शिव ने रावण से कहा कि इस ज्योतिर्लिंग को रास्ते में कहीं भी भूमि पर मत रखना, अन्यथा यह वहीं पर स्थापित हो जाएगा। भगवान विष्णु नहीं चाहते थे कि यह ज्योतिर्लिंग लंका पहुंचे, अतः उन्होंने गंगा से रावण के पेट में समाने का अनुरोध किया। रावण के पेट में जैसे ही गंगा पहुंची रावण के अंदर मूत्र करने की इच्छा प्रबल हो उठी। वह सोचने लगा कि शिवलिंग को किसी को सौंप कर लघु शंका कर ले। तभी विष्णु भगवान एक ग्वाले के भेष में वहां प्रकट हुए। रावण ने उस ग्वाले बालक को देखकर उसे शिवलिंग सौंप दिया और जमीन पर न रखने की हिदायत दी। रावण जब मूत्र करने लगा उसकी मूत्र की इच्छा समाप्त नहीं हो रही थी। ऐसे में रावण को काफी समय लग गया और वह बालक शिवलिंग को भूमि पर रखकर विलुप्त हो गया। रावण जब लौटकर आया तब लाख प्रयास करने के बावजूद शिवलिंग वहां से टस से मज नहीं हुआ। अंत में रावण को खाली हाथ लंका लौटना जाना पड़ा। बाद में सभी देवी देवताओं ने आकर इस ज्योतिर्लिंग की पूजा की और विधिवत रूप से स्थापित किया।